नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं बता रही हूँ आपको बैक साइड में डिज़ाइन लगाना। सबसे पहले मैंने नेक रख ली है, वो 2.75, और यहाँ पे हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक जो है इसकी जो विड्थ है इस पर कट लगा लीजिएगा जितनी आपकी नेक की विड्थ है, और दोनों साइड में वही आप 9 इंच का नेक है जो ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 9 इंच की नेक बना रही हूँ, आपको 10 इंच की 11 इंच की जितना डीप करना हो वो बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वन साइड पे राउंड शेप लगा दिया है, और ये इस प्रकार से हम इसको नेक को बनाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से इसका हल्का सा कॉर्नर होगा, और एक तरफ से ये इस प्रकार से राउंड शेप ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि जितना नेक हमने चौड़ा रखना था उतने पे मैंने कट लगा दिया था, और ये नेक का जो है शेप बना लिया है। शेप ड्रॉ करने के बाद उसकी आप स्टिचिंग ले लीजिएगा। लाइनिंग का पार्ट्स हमारे साथ में ही है, और लाइनिंग का पार्ट्स ओक पार्ट पे रखते हुए मैंने इसकी स्टिचिंग ली है। जैसे मैंने नेक ड्रॉ किया था वैसे स्टिचिंग ले ली है। अब जो बीच का पार्ट है उसको कट कर दूंगी, पूरा कट करके आप छोटे छोटे कट लगा लीजिएगा, और कट लगाने के बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कट हो गया है, बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट्स था उसको तो वैसे भी कट करना होता है जब हम नेक की स्टिचिंग करते हैं तो। और बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन होगी, देखने में भी अच्छी और बनाने में भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊँगी। तो ये हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है लाइनिंग के पार्ट्स के साथ में, और फिर लाइनिंग के पार्ट्स को बैक साइड में फोल्ड कर लिया है। अब देखो नेक ओपन हो गया है, इसको आप आयरन से फिनिशिंग कर लें। अब हमें मैं आपको एक अच्छी सी डिजाइन बनाती हूँ। ये पैटर्न है, तो ये पत्ती का राउंडिंग पैटर्न है। इसको कैसे कटिंग किया जाता है पेपर पे, आप इसकी पहले कटिंग कर सकते हो, और फिर हम एक साइड में जहाँ पे हमारी सीधी लाइन है, नेक लाइन जो सीधी ड्रॉ की हुई है उस साइड में मैंने इसको 3 पैटर्न को इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसको क्या करोगे, ऑफ साइड में आपको इसको ऑन साइड में आपको इसको स्टिच ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक रफ कपड़ा लगा दिया है अस्तर का, और अस्तर का रफ कपड़ा लगा करके फिर इसको मैंने ड्रॉ किया है, और ड्रॉ करने के बाद ऐसे इसकी मैंने स्टिचिंग ले ली है। जो हमारा स्टिचिंग है वो मैंने अस्तर के कपड़े पे ली है। तीनों जो पैटर्न ड्रॉ किए हैं उनको आपको एक एक सिलाई से स्टिच ले लेना है, और देखिएगा बहुत सरल जो हमारी पैटर्न है वो डिज़ाइन है वो बहुत सरल, इसकी मैं स्टिचिंग बताऊंगी। अब यहाँ पे ये स्टिच हो गए हैं, जैसे मैंने 2 स्टिच किए वैसे भी तीसरे भी को पार्ट्स को भी मैं स्टिच ले लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो देखिए हमने स्टिच किया हुआ उस पैटर्न के बीच के फैब्रिक को कट कर दीजिएगा, जैसे हमने नेक लाइन कट की थी ना वैसे ही बीच का पैटर्न कट कर लीजिए, और इसके अंदर भी आपको कट लगाने हैं, तीनों पैटर्न कट करने हैं आपको। देखो ऐसे वेस्टेज को बाहर निकाल दिया है, और ऊपर देखो ये अस्तर का पार्ट्स लगा हुआ है। अब हम इस पार्ट्स के तीनों जो हमारे पत्ती पैटर्न है उसको मैं बीच से कट करूंगी। पहले ये जो कच्ची सिलाई मैंने लगाई थी, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है ना इसको कट कर लो, जो हमारा ऊपर का अस्तर का फैब्रिक है एक्स्ट्रा है उसी को कपड़े को कट कर रही हूं मैं। तीनों पत्तियां अलग अलग कट कर दी है, और इनको अंदर की ओर फोल्ड कर देना, बस इतना ही है, सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर लगा करके हमने स्टिच ली थी उसको भी कट कर दिया है, और पत्तियों के पास में 1-1 इंच रख के और बाकी सारे फैब्रिक को कट कर दिया है। अब आप इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दें, और फिर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसको कच्ची स्टिचिंग ले लें इसकी, या फिर आप हाथ से इसको पत्ती को ओके कर लें। जो हमारी ये लाइनिंग का पार्ट फोल्ड किया है इसको ऐसे फोल्ड कर लेना आपको। तो ये फोल्ड हो गया है, और फिर आप इसको आयरन से फिनिशिंग लगा दीजिएगा। ये हमारी 3 पीस डिजाइंस है, और इसके नीचे आप कटवर्क की नेट लगा सकते हो अगर आप चाहें तो। इसके नीचे कटवर्क की डिजाइनर कोई भी नेट जो होती है वो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लगाया, जो हमारा डिजाइनर फैब्रिक है वही लगाया है।
ये कपड़ा है नेकलाइन के साथ स्टिच कर लिया है और इसकी मैं सीधी एक कच्ची स्टिचिंग ले लेती हूँ नीचे तक, ताकि ये जो कपड़ा वो हिले नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे देखो नीचे तक इसको स्टिच ले लिया है और इस तरफ भी मैं इसकी स्टिचिंग ले लेती हूँ। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आप उसको कट कर दो। इसको हमें नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे तक कट कर लेना है बस, ताकि जब हम इसको ऊपर की ओर फोल्ड करें ना, अब मैं इस पट्टी को ऊपर की ओर फोल्ड कर दूंगी, ये डिजाइन पट्टी हो जाएंगी। ये देखो इस प्रकार से ये डबल करी फिर फोर फोल्ड करके इसको एक स्टिच ले लेनी है। तो ये हमारी यहाँ पे जो नेकलाइन थी उस पर ये जो डबल पट्टी स्टिच हो गई है। नीचे से जो देखो एक्स्ट्रा है ना उसको आप फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड करके यहाँ तक स्टिच ले लो। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके इसको कॉर्नर पे और इसकी स्टिच ले ली है। अब देखिए जो हमने पैटर्न कटिंग किया था उसके नीचे ब्लैक कलर का कितना सुंदर जो डिज़ाइन सब वो लग रहा है। तो ये कपड़ा हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। इस प्रकार से आप नेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और भी कोई आपका जो डिज़ाइनर फैब्रिक हो वो भी आप इस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई सभी पैटर्न ड्रॉ करके उसको और अस्तर के कपड़े के साथ स्टिच करके फिर कटिंग करके अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए। तो ये हमारा जो नीचे का देखिए वो फैब्रिक ऊपर से नीचे तक अटैच हो चुका है और डिज़ाइन हमारी या एक साइड की कंप्लीट हो गई ना। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर मैं स्टिच ले रही हूँ, आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो, मोती भी लगा सकते हो डेकोरेशन इसको करने के लिए पत्ती को, और अपनी चाहे अनुसार। मैंने तो एक थोड़ा सा हल्का सा छोटा तरीका बताया है कि इस प्रकार से भी डिज़ाइन का ब्लाउज को लुक दिया जा सकता है बैक साइड में। और जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं सीख रही है वो अपने ब्लाउज को एक अच्छे लुक में बना करके घर पे पहन सकती है। ये कुछ अलग से हट करके डिज़ाइन सब बहुत ही सुंदर लगते हैं और देखिए बनाने में आसान है, कोई भी आप इसको बना सकते हो। देखिए जितनी अब तक मैंने यहाँ पे बनाया है मेरी हिसाब से सभी को समझ में भी आया होगा कि कैसे एक पत्ती कपड़े पे कागज़ पे कटिंग कर ली जाती है, फिर इसको ड्रॉ कर ली जाती है, फिर उसको स्टिच करके और कटिंग करके अंदर की ओर फोल्ड करके ये पत्ती बनाई जा सकती है। उसके बाद में उसको आप नीचे में कपड़ा लगा करके और उसको अलग कलर से और डिज़ाइनर बना सकते हो। तो ये यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, इसके ऊपर मैंने स्टिचिंग ले लिया ताकि जो लूजिंग ना दिखाई दे, जो हमारी पत्ती है वो लूज ना दिखाई दे। अब ये मैंने देखिए 1.25 इंच की पट्टी कटिंग की है और इसको ज्वाइंट करूँगी मैं और इसकी जो हल्की सी लेस तैयार करूँगी। तो ये मैंने पट्टी बहुत लंबी चौड़ी तैयार कर ली है और यहाँ पे ज्वेलरी सी तैयार करके इस तरफ में मुझे 1 इंच की एड लगाना है। ये देखिए जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पे मुझे इसको अटैच करना है, इसको डबल करके बस पहले मैं और लेस बना लेती हूँ। 1.25 इंच की है तो ये लगभग 1.25 इंच की रह जाती है। आप 1.5 इंच की कटिंग कीजिएगा बिल्कुल 1.25 इंच की बराबर में रहेगी। तो पहले मैं इसको पूरी डबल कर लेती हूँ ताकि फोल्ड करने में दिक्कत नहीं हो। तो पहली स्टिचिंग आप सीधी फोल्ड डबल करके फोल्ड कर लीजिए। अब आप इसमें एक एक चुन्नट लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक एक चुन्नट लगा रही हूँ और इस ये पूरी जो है रफल तैयार हो जाएगी, छोटी सी 1.25 इंच की रफल है ये। और भी आपको हमारे इस चैनल पर डिज़ाइंस की कटिंग की वीडियोस मिलेंगी, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग वीडियो को कटिंग देखें और स्टिचिंग देखें और फिर भी मेरी वीडियो से या कटिंग से आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और जहाँ तक होगा मैं आपको संतुष्टिजनक जवाब देने की कोशिश करूँगी। हो सकता है आपकी रिप्लाई आप तक पहुँचने में कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मैं भी काफ़ी व्यस्त हूँ और जब मैं कमेंट ऑन करती हूँ तभी मैं आपके रिप्लाई कर सकती हूँ, तो इसलिए हो सकता है लेट हो जाए, पर आपके कमेंट की रिप्लाई आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें और अगर आपकी लेट हो जाए तो आप ऐसे ना समझें कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। और ये हमारी रफल यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इस रफल को जो हमारी राउंडिंग नेक है ना, एक साइड में जो हमारा राउंडिंग नेक है वहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। आगे से आप थोड़ा सा फोल्ड करके फिनिशिंग कर लें। तो मैंने आगे से इसको फोल्ड कर लिया है और इसकी फिनिशिंग ले ली है और इसको मुझे 1/2 इंच नीचे स्टिच लेना है ताकि ऊपर आप इसके लेस स्टिच कर सको, या ये जो रेड कलर की है ना नेक लाइन वो एक लेस के समान ही लगेगी आपको, जब आप इस पे देखेंगे तो ये एक लेस की तरह ही लगेंगे। और हमारी जो रफल है वो भी ओपन है तो हमें लेस तो लगानी ही होगी, अटैच करनी होगी। तो आप इस पे कुछ
किसी भी प्रकार के लिए स्टिच कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और नेकलाइन से मैंने आधा इंच नीचे इस रफल को अटैच किया है, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर और सिंपल डिजाइन हमारी यूनिक डिजाइन्स तैयार होगी। और रफल अटैच करने के बाद में आप इस पे लेस अटैच कर सकते हो या किसी भी डोरी से आप इसको डिजाइनिंग और कर सकते हो। तो यहाँ पे रफल अटैच हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा उसको कट कर दें। और ब्लाउज के बारे में मैं आपको बताऊं कि बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज और सभी प्रकार के ब्लाउज जो आजकल नए पैटर्न में चल रहे हैं, आपको उसकी सभी की कटिंग स्टिचिंग हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और मैं यहाँ पे एक पट्टी तैयार कर रही हूँ, ये उरे पट्टी है 1/4 इंच की, मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। आप 4 फोल्ड में जैसे हम डोरी बनाते हैं वैसे ही 2 फोल्ड फिर 4 फोल्ड में ऐसे करके सीधी इसकी स्टिचिंग ले रही हूँ। कोई मैंने इसको अंदर की ओर फोल्ड नहीं किया। देखिए ये एक तरफ से तो ये ऐसे ओपन होती है 4 फोल्ड में और एक तरफ से नीचे से ये ऑफ होती है। तो ये एक पट्टी तैयार हो जाएगी या लेस तैयार हो जाएगी, ऐसा समझिए आप। इसको आप अपनी लेस के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। ये 1/2 इंच की चौड़ी पट्टी तैयार हो गई है। अब आप इसके चारों ओर इसको स्टिच ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पट्टी स्टिच किए हैं और आप यहाँ पे अच्छी सी सुंदर लेस स्टिच कीजिएगा, पतली लेस, जिससे ब्लाउज का लुक जो है वो कुछ और सुंदर आए। तो यहाँ पे जो रफल ओपन थी वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी और ऊपर 1/2 इंच की ये पाइपिंग पट्टी है, 1/2 इंच की चौड़ी पाइपिंग पट्टी स्टिच हो जाएगी, क्योंकि उरे कटिंग होके मैंने बनाई है। तो ये आप किसी भी राउंड में इसको फोल्ड कर सकते हैं। उरे पट्टी से क्या रहता है कि उरे पट्टी को आप जैसे भी फोल्ड करोगे वैसे फोल्ड हो जाएगी। अगर आप सीधी पट्टी बनाओगे ऐसे डोरी की तरह, जैसे हम पेटीकोट की डोरी अनाड़ा निकालते हैं, तो उससे क्या होगा कि वह इस प्रकार से फोल्ड नहीं होगी और ये कम बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसको अगर आप थोड़ा सा खींचोगे तो भी कुछ खराब नहीं होगी, इसको आप थोड़ा सा लूज भी छोड़ोगे तो भी ये खराब नहीं होती है। किसी भी डिजाइन्स में इसको यूज लिया जा सकता है। तो ये हर साइज में फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे सिंगल स्टिच हो गई है, अब हम इसकी डबल स्टिच ले लेंगे। मैंने इस वीडियो को फुल स्टेप बताया आपको, मैं इसको थोड़ा कट करके छोटे के रूप में भी बता सकती थी, परंतु बहुत इजी है। और बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ा सा पूरा बताएं ताकि कोई डिजाइंस बनाने में हमें असुविधा ना हो। तो उसकी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अब 2 या 3 डोरी जो है कॉर्नर में ऐसे एक इस तरफ में और एक इस तरफ में ऐसे अटैच कर लेनी है। तो वैसे भी आप 2-3 डोरी अटैच कर लें ताकि थोड़ा सा जो लुक है वो कॉर्नर का अच्छा आ जाए। तो ये कॉर्नर को लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर में 2-3 डोरियां अटैच करनी हैं। अब ये इसकी मैंने दूसरी स्टिचिंग ली है ताकि फिनिशिंग का जो है वो बराबर में बनी रहे। और दोस्तों एक हमारा नया चैनल है किचन किंग, उसमें आपको रेसिपीज मिलेंगी। जो भी मेरी बहनें हैं वो मुझे सपोर्ट करें। मेरा सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन है कि किचन के लिए, देखिए किचन की रेसिपी सभी को, हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है और हमें ज़रूरत रहती है, तो वो अपनी बच्चियों को सिखाएं और हमारे चैनल से ज्वाइन करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने में आपकी हेल्प मिल सके। और जो बीच की मैंने पहले स्टिचिंग की थी उसको मैं खोल देती हूँ, क्योंकि आप इतनी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड की सिलाई लेने के बाद आप जो बीच की सिलाई है उसको खोल करके अलग कर सकते हैं ताकि आपकी जो पट्टी है वो फिनिश्ड हो जाए। ये सब हम खोल लेंगे जो हमारी बीच की सिलाई है। और अब ये जो 3 डोरी है उनको आप पक्की स्टिचिंग कर ले। मैंने यहाँ पे 2 लगाई, आप 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, जितनी भी आपको अच्छा लगे।